एस्प्रेसो रेडियो नामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है हमारी ब्लॉगर अमृता श्री की कहानी, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं। आइए सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं, पर सच तो ये है कि वो किसी बदमाश बच्चे की तरह किसी दरवाजे के पीछे छुप गया है और उससे लुका छिपी खेल रहा है। इसके पहले जिंदगी धप्पा देकर उसे आउट कर दे, उसे उस शैतान से बच्चे को जिसका नाम प्यार है ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर रीमा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रीमा 4 साल के बेटे की माँ है और राकेश की पत्नी भी। उसकी अरेंज्ड मैरिज है, पर दोनों को साथ देखो तो लगता था पक्का कोर्टशिप लंबी चली होगी, पर ऐसा था नहीं। मिले तो वो माँ बाप के जरिए, पर काफी छोटे अरसे में दोनों प्यार के रंग में रंग गए। दोनों को एक दूसरे के चेहरे से पहचान हो जाती कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसा था उनका प्यार। आज जीवन की आपाधापी में खो गया है उनका प्यार। सुबह अंशु के स्कूल और राकेश के ऑफिस की तैयारी में उसे लगता जैसे कि एक एक पल को दांत से दबा लूं, मुट्ठियों में जकड़ लूं। कितनी तेजी से बीता जा रहा है। ऐसे में राकेश का आवाज लगाना, सुनो जरा देखना पेन कहाँ है, आग सा लगा जाता। एक रैक दे दिया है, फिर भी सही से रख नहीं पाते। भुन भुन करती आती तवे में रखी रोटी की तरह गर्म और पैन थमा जाती हाथ में। आंखों से जलती रोटी की तरह धुआं निकालती हुई। सारा रोमांस तो चूल्हे में ही राख हुआ जाता। अंशु के नाटकों के बीच जल्दी जल्दी खिलाती, बस तक छोड़ कर आती, तब तक राकेश चढ़े मुंह से नाश्ता करते जैसे कोई एहसान कर रहे हों। फिर सॉरी या तो रीमा बोलती या वो गले लगाते और ऑफिस निकल जाते। फिर वो घर समेटती, तूफान जो आ जाता था घर में हर सुबह। पूजा करके ही नाश्ता करने की आदत थी तो लगभग रोज 11 बजते। काम वाली का किया काम पसंद नहीं था तो सारे काम करते करते जरा सांस ही ले पाती कि अंशु आ जाता। उसके पास एक लंबी कहानी होती सुनाने को, कुछ खिलाकर उसे सुला देती। शाम को जब वो खेलने नीचे जाता तो वो भी चली जाती। जमाना भी ठीक नहीं, सामने आंखों के वो खेल रहा होता। ऐसे में कभी मिसेज वर्मा मिल जाती तो थोड़े गप्पे लड़ाकर अंशु के साथ घर लौटती। फिर उसका होमवर्क कराते कराते उसे खिला भी देती, क्योंकि उसका जल्दी सोना जरूरी था। तब तक राकेश आ जाते, चाय हाथ में लेते ही टीवी के पीछे पड़ जाते। अंशु को सुलाकर जब वो उनके पास बैठती और कुछ पूछती भी तो हाँ हूँ मैं काम चला लेते। रात का काम समेट कर जब वो आती तो राकेश या तो सो रहे होते, या अगर उनके संबंध बने भी तो उनकी गर्माहट खोती से जान पड़ती। ऐसे ही दिन हाथों से फिसले जा रहे थे। याद आ गए वो दिन जब दोनों माँ बाबूजी के साथ होते थे, प्यार में ऐसे खोए थे कि सबके बीच भी जताने में नहीं चूकते। कुछ कोड वर्ड थे उनके, जैसे किसको टॉनिक बोलते। रीमा को याद आ गई वो बात जब ताऊजी आए हुए थे और माँ बाबूजी और ताऊजी के साथ बात करते करते खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। जब पड़ोसी चाचा की तबीयत की बात हो रही थी तो राकेश ने कहा, फल वल के साथ उन्हें टॉनिक भी लेना चाहिए। माँ बाबूजी ने सहमति में सर हिलाया, पर असली मतलब सिर्फ रीमा ही समझ पाई। शर्म की एक लाली गालों पर बिना किसी निमंत्रण आ धमकी। राकेश हमेशा दोस्तों की पार्टी में या सबके सामने भी अपने कोड वर्ड के जरिए अपनी बात पहुंचा देता, जिसे सिर्फ रीमा समझ पाती। आज न जाने दोनों के बीच इतना रूखापन कहां से आ गया।
माँ भाऊजी 2 साल से सुनीता भाभी के पास हैं। उनकी थोड़ी कठिन प्रेगनेंसी थी। आज जब राकेश और रीमा अकेले भी हैं, तो प्यार कहीं गुम सा है। रीमा ने सोच लिया, बस अब और नहीं, कहीं से ढूंढ कर लाने होंगे वो पल। रीमा जरा देखो, मेरी वॉच नहीं मिल रही। तवे पर चढ़ी रोटी को बंद किया, जाकर देखा तो उनके ड्रॉअर में ही पड़ी थी रुमाल के नीचे, पर इस बार हाथ में देकर बोल पड़ी, ये रही आपकी वॉच। मुंह से सटाकर वॉच को सुनाया, आज तुम्हें मैंने खोजा है, तो अपने साहब को भी हमारे याद दिलाते रहना। राकेश के होठों पर भी एक मुस्कान आई। वॉच की आवाज बनकर राकेश ने बोला, जी मेम साहब, और दोनों हंस पड़े। अंशु को स्कूल बस में बिठाकर आई तो राकेश ऑफिस को एकदम तैयार था। रीमा बोल पड़ी, हैंडसम लग रहे हो, कितनी बार कहा है शर्ट के सारे बटन बंद रखा करो, ये मेरा हक है समझे, कहते हुए ऊपर के खुले दोनों बटन भी लगा दिए। जी मेम साहब बोलकर इस बार उसने कसकर गले लगाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अक्सर जब भी रीमा ऐसे उसके बटन बंद करती तो वो थोड़ी दूर जाकर खोल देता, घुटन होती, पर इतने दिनों बाद मिले प्यार के टॉनिक से जी उठा था वो। पूरे दिन रीमा की बातों की खुशबू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आज खाना भी जायकेदार लगा, काम करने में नई एनर्जी मिली, पर हाँ समय आज धीरे धीरे चल रहा था, आज उसे घर जाने की जल्दी थी। वो सोचने लगा, कितनी आसानी से कह देता हूँ कि सारा दिन करती क्या हो, क्यों इतने गंदे जुबान बोलने लगा हूँ, प्यार की कमी ने शायद दोनों की जिंदगी में कड़वाहट भर दी है। राकेश ने सोचा, कल शनिवार है, अंशु को ड्राइंग की बुक देकर उसे एंगेज करके अपना रैक ठीक कर लेगा वो, ऐसे बार बार रीमा को तंग नहीं करेगा, रीमा को मनाएगा कि घर के कामों के लिए एक पार्ट टाइम सहायक रख ले, कमजोर लगने लगी है वो। साहब फूल ले लो साहब, आवाज सुनकर गाड़ी के शीशे नीचे करके आज राकेश ने सारे फूल खरीद लिए। इन फूलों के जरिए वो प्यार की खुशबू बिखेरना चाहता था। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी हमारी ब्लॉगर अमृता श्रेय की कहानी, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं। आशा करते हैं कि ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी।